नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आइए आपको बताते हैं आज सोरडा रोड पर उसी स्थान पर जहां पहले आगजनी हुई थी, उससे थोड़ा सा आगे एक बस और ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। राजस्थान रोडवेज की बस डूंगरपुर बाड़मेर के रूट की बस है, वो अपने निश्चित समय पर भंडार की तरफ आ रही थी और ट्रैक्टर बजरी भरकर सोरडा की तरफ जा रहा था। एक बंदर के बीच में आ जाने की वजह से ये भिड़ंत होना बताया गया। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, लेकिन किसी भी यात्री को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। एक बुजुर्ग महिला को मामूली सी चोट आई, वहीं ट्रैक्टर का ड्राइवर घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रैक्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पाकर मंडार पुलिस में जाब्ता पहुंची और उन्होंने बस से भिड़े ट्रैक्टर को जेसीबी की सहायता से अलग करवाया। देखते ही देखते वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और ट्रैफिक भी जाम होने लगा, जिसे बाद में खुलवाया गया। ट्रैक्टर में बजरी भरी होने की वजह से खनिज विभाग को सूचना देकर ट्रैक्टर को थाने लाया गया। बस को जेसीबी की सहायता से थोड़ा ठीक करके उसे भी पैसेंजरों के साथ रवाना किया गया। सबसे सुखद घटना यह रही कि किसी भी जनहानि का नहीं होना। जब जब लोकल सब जाओ कट दाई दो।